नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। मकरोनिया पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में अवैध गतिविधियों में शामिल नॉर्थ ईस्ट की 5 युवतियों सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मकरोनिया के दीनदयाल नगर में क्रिस्टल स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार पर महिला थाना प्रभारी रीता सिंह और मकरोनिया पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की। मौके से 5 युवतियों सहित 2 लोगों को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई सभी युवतियां नॉर्थ ईस्ट से हैं, जो लंबे समय से स्पा सेंटर की आड़ में अवैध काम कर रही थी। पुलिस को लगातार इस कार्य की शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने शुक्रवार को इस स्पा सेंटर पर अपने लोगों से रेकी कराई और पुष्टि होने के बाद संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया। सागर से जिला ब्यूरो राजेश पारासर की रिपोर्ट। ये काफी दिन से ये स्पा सेंटर में शिकायत, देह व्यापार संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जो आज महिला थाना प्रभारी और थाना मुख्यालय की टीम संयुक्त जाकर कार्रवाई की है, जहाँ पर ये कुछ लड़की हैं और दोनों उसके संचालक को लेके आए हैं। ठीक है, इन पर कार्रवाई की जा रही है। कितने सालों से ये चल रहा था ये? अभी कुछ 4-5 माह से संचालन हो रहा था, जिसकी सूचना अभी प्राप्त हुई है। आगे भी सर जो थाना क्षेत्र में इस प्रकार के सेंटर की जाँच वगैरह कुछ? हाँ, जो भी सूचना जहाँ जहाँ प्राप्त होती है उन पर जो नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर कितनी लड़कियाँ और लड़की? सर इनमें 5 लड़कियां हैं और संचालक 2 संचालक। थैंक यू सर। कई दिनों से ये क्रिस्टल जो गौरनगर में जो क्रिस्टल स्पा सेंटर है, वहां पे अवैध देह व्यापार की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसमें आज मकरोनिया थाना प्रभारी के साथ मिलकर पूरी टीम ने मिलकर कार्रवाई की है, संयुक्त कार्रवाई। मतलब कितनी लड़कियां हैं? कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां मिली हैं नॉर्थ ईस्ट की और 2 वहां के संचालक मैनेजर और संचालक मिले हैं, 2 लड़के। मैं कैसे पकड़ा गया, कैसे दबिश दी थी? इसमें जो हमें सूचना मिली थी उसकी रैकी करवाई जाके, पहले पॉइंटर भी जाके हमने उस सूचना की तस्दीक की है। जो पॉइंटर से रेट डिस्कशन में जो रेट उनके फिक्स हुए थे उस पर फिर कार्रवाई की गई है। मकरोनिया में और कितने स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं, जिनकी जानकारी और आपके पास? स्पा सेंटर तो मुझे जहाँ तक जानकारी है 1-2 और है ना, लेकिन जो अवैध गतिविधियों की जानकारी इसी स्पा सेंटर की शिकायत ज़्यादा थी, तो इसमें आज कार्रवाई की गई है। और भी अन्य जगह अगर इसकी जानकारी मिलती तो वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं के तहत? इसमें जो देह व्यापार की धाराएं निर्धारित है वही उन्हीं धाराओं पर कार्रवाई करेगी। लड़कियाँ जो पकड़ी गई वो कहाँ की हैं वो पता चला कुछ? नॉर्थ ईस्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताज़ा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।